बच्चों, कल हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने अलग अलग टाइप से सिंपल इंटरेस्ट निकाला था जिसमें टाइम क्या था अलग अलग था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आज हम नया इसमें कुछ आगे पढ़ेंगे। जैसे कल बता दिया था कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन कितना था 100 था। यहाँ पे हमने SI निकाला था, अब इसमें निकाला जाता है अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट को हम ए से डिनोट करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। जितना एसआई निकल के आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा कि टोटल प्रिंसिपल और एसआई मिलकर क्या बनेगा, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में आएगा, जैसे कि आप पी आर टी और एसआई इनमें से एक वैल्यू नहीं रहेगा और वो पूछी जाएगी, तो उसको कैसे फाइंड करना है। जैसे अगर हमें केवल प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, एसआई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी फाइंड करना है तो आर इंटू टी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 100 की मल्टीप्लाई एसआई में कर देंगे, जो आर टी रह जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद अब रह गया हमारे पास क्या, टाइम। अगर टाइम फाइंड करने को आता है सेम वही करना, एसआई इंटू 100 ये सेम ऐसे रहेगा, और हमें टाइम फाइंड करना है तो नीचे आ जाएगा पी इंटू आर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें, टाइम हो गया, रेट फाइंड करने को आएगा, आर फाइंड करने को आता है तो क्या करेंगे, एसआई इंटू 100 और अपॉन में आर फाइंड करना है तो पी इंटू टी डिवाइड में आ जाएगा। तो आज हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे, फोर टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, इन्हीं को सॉल्व करना आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑन ₹500 एट द रेट 10% पर एनम आफ्टर 5 इयर्स। यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारे पास उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना, ₹500। ठीक है, जो रेट गिवन है कितना है, 10% पर एनम, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पे 5 इयर्स। ठीक है, अब SI कितना होगा, SI इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो गया 25 और यहाँ पे जीरो, तो SI कितना आ गया हमारे पास 250 आ गया। ठीक, हमें तो अमाउंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल प्लस SI बताया था, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 500, इसमें प्लस कर लेंगे कितना 250, तो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करके ₹750 यहाँ पे अमाउंट निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो सिंपल है, कल हमने पढ़ा था कि केवल SI निकालना, तो उसके बाद इसमें आएगा SI से, फिर क्या SI निकालने के बाद अब अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में SI को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। इसे कॉपी करो पहले। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। फाइंड द प्रिंसिपल, अब क्या फाइंड करना, प्रिंसिपल फाइंड करना है व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज ₹125 एट द रेट 5% पर एनम एट एंड टाइम कितना है, टाइम 5 इयर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले उनको लिख लेते हैं। फाइंड करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट SI हमें गिवन है, SI इज इक्वल टू ₹125 है। ठीक, और इसका जो रेट है आर इज इक्वल टू, आर हमारे पास दे रखा है कितना 5% पर एनम, वही दे रखा है, और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 5 इयर्स। अब फाइंड क्या करना, प्रिंसिपल फाइंड करना है, बताया था पी इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, SI कितना है, SI है 125, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 100 से, अपॉन में 5 इंटू 5, 5 से कैंसिल करेंगे इसे कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 इंटू 100 करेंगे तो कितने रुपीज आ जाएगा, ₹500 प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। ये इसका आंसर है, क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन थर्ड इसको पढ़ लेते हैं पहले, क्या देखा है,
find the time when principal is equal to 1000 rupees, rate 5% per annum and simple interest is रुपीज 150 जो जो गिवन है पहले उन्हें लिख लेते हैं. फाइंड क्या करना है इसमें, टाइम फाइंड करना है. तो टाइम क्या है, क्वेश्चन मार्क है. हमने जो फाइंड करना है सबसे पहले क्लियर टाइम. प्रिंसिपल गिवन है P is equal to रुपीज 1000, ठीक है. अब नेक्स्ट उसमें है रेट कितना है 5%. रेट 5% है पर एनम के लिए बात हो रही है. और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एस आई गिवन है 150 rupees 115. हमें टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू हंड्रेड अपॉन पी इंटू आर. एस आई कितना है, एस आई है 150, 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा. और प्रिंसिपल कितना है 1000 1000, और रेट कितना है, रेट इसमें 5 है. अब यहाँ 0 है, 1 2 3 डिनोमिनेटर में 3 0 है, इनसे न्यूमरेटर के 3 0s क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे. रह गया कितना, 15 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो कितना गया टाइम, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो 3 इयर्स आंसर होगा, ठीक है. इसे कॉपी करो. चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिसाइड करते हैं, ठीक है. पहले से पढ़ लेते हैं क्या इसमें. फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, हमें रेट फाइंड करना है. When principal is 12,500, time कितना है इसमें 10 years से, और simple interest कितना दे रखा है 500, ठीक है. पहले जो find करना है उसको question mark कर लेते हैं. find करना है rate, ठीक है. rate find करना है और principal given है rupees 12,500, ठीक है. time है, time given है 10 years और सिंपल इंटरेस्ट एस आई गिवन है रुपीज 500. फॉर्मूला क्या है, रेट का जो फॉर्मूला है बताया था, एस आई इंटू 100 हमेशा एस आई इंटू 100 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में. एस आई इंटू 100 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा क्या, पी इंटू टी, ठीक है. रेट का फॉर्मूला है, ठीक है. एस आई गिवन है 500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना क्या 12500 मल्टीप्लाई बाय ना टाइम कितना 10 है. पहले जीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है. तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा रेट, तो रेट हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू 5 से कैंसिल कर लो पहले से, 5 से 10 टाइम्स 5 से कितना टाइम्स हो जाएगा 25, ठीक है. यू गेट 10 बाय 25, फिर से 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल किया कितने टाइम्स हो गया 2 अपॉन 5. अब क्या करना है, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आंसर है तो फ्रैक्शन में ही आंसर हम लिख सकते हैं. अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन में लिखोगे, अगर डेसिमल में है तो डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू हमने 0 लगाया फिर पॉइंट यहाँ हो जाएगा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना गया 0.4% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. और 0.4% ये हमें ऑप्शन में देखना है कि फ्रैक्शन में है या फिर डेसिमल में, ठीक है. दोनों जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो आज हमने इसमें लिखा, जैसे जो पढ़ा है वो है अमाउंट, ऐसा ही कल पढ़ चुके थे हम. ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इसके बाद हमने अमाउंट फाइंड किया, प्रिंसिपल में क्या करना है, एसआई को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, जो एसआई ऐड हो जाएगा तो अमाउंट बन जाएगा. प्रिंसिपल हो गया हमारे पास, अगर खाली प्रिंसिपल, अगर ओनली प्रिंसिपल फाइंड करने को आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एसआई इंटू 100 अपॉन आरटी जो फाइंड करना होगा. अगर एसआई के अलावा कोई और भी हमें वैल्यू फाइंड करने को बोलता है तो वहां पे क्या करना, एसआई इंटू 100 अपॉन जो पूछा है उसको तो लेफ्ट में लिख देंगे, बाकी सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा. आरटी से डिवाइड कर दिया तो प्रिंसिपल फाइंड हो गया. टाइम फाइंड करना है तो SI into 100 as it is रहेगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल into रेट डिवाइड में आ जाएगा. और रेट फाइंड करना है तो SI into 100 upon P into T. तो सिंपल फॉर्मूला है, इन इस फॉर्मूले पे ये 4 क्वेश्चंस थे, और इसी के टाइप से आपको और क्वेश्चन PDF के थ्रू भेज रहे हैं, उनको सॉल्व कर लिया. ओके, बाय.